सुमन एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है, गांव से है और उसने आज तक अपने पेरेंट्स की सारी बातें मानी हैं और शादी भी वही बात मान के की है। पहली बार वो अपने पति से सुहागरात पे मिल रही है। सो दैट काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल विलेज गर्ल शी इज। या दैट्स इट अबाउट सुमन। That's a very difficult question. Right now, I'm not even thinking about marriage, so I do not know at all कि मैं क्या करने वाली हूँ. But movie में आपको ज़रूर पता चलेगा कि कौन सी marriage ज़्यादा better है. आपने ये पात्र निभाया, इसकी observation आपने कहाँ से की? All the best. गांव में जब मैं वहाँ गई, गांव में नारनौल में हमने शूट किया था इसका, तो काफ़ी लेडीज़ से मैं वहाँ मिली, तो उनका लाइफस्टाइल देखा मैंने कि वो लोग कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं को ऑब्जर्व किया, बिकॉज उससे पहले मैं कभी गांव गई नहीं अपनी लाइफ में। दिस वॉज माई फर्स्ट विलेज एक्सपीरियंस एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। आई मीन दोज पीपल आर सो नाइस, दे आर सो इनोसेंट, सो दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू पोर्ट्रे इन माई कैरेक्टर। मुश्किल तो नहीं था कुछ, बिकॉज बहुत ही सिंपल सी लड़की है, तो मुझे बहुत कुछ ऐसा कुछ करना नहीं था स्पेशल उसके लिए। बट हाँ, एक इंसिडेंस है जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। मेरा बर्थडे सीक्वेंस था और मुझे केक खाना था। मैं लाइफ में कभी केक नहीं खाती हूँ, आई डोंट लाइक केक्स। मैं अपने बर्थडे पे भी केक नहीं खाती हूँ एंड आई हैड टू ईट अ लॉट ऑफ केक इन दैट। मतलब आई वॉज कम्पीटिंग विद प्रेम, सुमन वॉज कम्पीटिंग विद प्रेम वो ज़्यादा से ज़्यादा केक खाने के लिए, एंड मैंने कम से कम आधा किलो केक खाए उस दिन। दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन द मूवी फॉर मी, ईटिंग केक। जी जी, डायरेक्टर प्रशांत जी ने बहुत हेल्प किया, बिकॉज मुझे कुछ भी डाउट होता था कि कहीं मैं समझ नहीं पा रही हूँ, तो मैं सबसे पहले प्रशांत जी के पास ही जाती थी। प्लस हमारे जो DOP हैं गिरी सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया कि किस तरह से मैं इसको बेटर दिखा सकती हूँ कैमरा पे, बिकॉज आई एम न्यू, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म। तो एवरीबडी इन द कास्ट एंड क्रू वाज सो सपोर्टिव, सो सब ने हेल्प किया मेरे मुझे। थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने इस फिल्म में टारगेट किया उस ऑडियंस को जो आज कन्फ्यूज है कि लग मैरिज सक्सेस है कि अरेंज मैरिज, तो हम ये फिल्म ये कंक्लूजन दिखा रहे हैं कि कंक्लूजन ये है कि कौन सी मैरिज सक्सेस है और किस लिए सक्सेस है। आपकी मैरिज कितनी कंफ्यूजन में हुई? तो मैरिज ही नहीं है पता, मैं अभी भी कंफ्यूजन में हूँ पर इस फिल्म को देखने के बाद। फिल्म बनाने के बाद हाँ, जो फिल्म का कंक्लूजन है वही डिसीजन लेके फिल्म करूँगा, अपनी शादी करूँगा। कितना ज़रूरी होता है कि शादी ही करना है, जैसे आप बताया आपने अब तक नहीं करी और आपने एक शादी के ऊपर फिल्म बना दी है, तो ये तो कौन सा पार्ट हो गया जो किया नहीं वो बना दिया आपने? ये तो सबसे ज़्यादा बिग चैलेंज है, जो किया है नहीं उसके ऊपर फिल्म बनाना एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज मेरे लिए। ऐसे आपने कैरेक्टर्स अपने आसपास देखे जो हम देख पा रहे हैं? वैसे इंडियन सोसाइटी का जो कल्चर है ना, वो ऐसा कल्चर है कि आपके आजूबाजू आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। जो फिल्म मैंने बनाई है उससे आप, मैं, उससे ऑल इंडिया के जितने लोग सब रिलेट करते हैं कि हर आदमी कहीं ना कहीं विलेज या स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है, और इंडियन कल्चर में मैरिज तो बहुत कॉमन चीज़ है। कभी चाचा की, कभी मामी की, कभी बहन की, कभी चाचा की, सबकी शादी होती है, तो वहाँ हम अटेंड करते हैं, तो इस चीज़ को देख के हमें पता चल जाता है। हाँ, जब मैंने और अमित ने स्क्रिप्ट लिखना चालू की तो हम लोग फ़ोन लगाते थे, लिखते लिखते फ़ोन लगाते थे, मम्मी क्या ऐसा होता है क्या समय आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? तो कुछ इंसिडेंट हमने फिल्म में ऐसे डाले जो रियल है, मतलब हो चुके हैं, मतलब मेरी मम्मी के साथ, अमित की मम्मी के साथ। नहीं नहीं, हम लोग जो लिखा है उसी को, जो स्क्रिप्ट हमने लिखा है उसी को हमने शूट किया, अलग से कुछ नहीं किया। यस, जब आप फिल्म देखेंगे तो आप 1980s के एरा को फील करेंगे, आप मिस करेंगे कि स्मॉल टाउन, वो विलेज, वो लोग। नहीं नहीं, फिल्म देखिए जो आपको पता चला कि क्या है, मतलब आप मिस करेंगे और आप या तो फिर आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे 1980s के एरा में। एक्चुअली बचपन से शादी देखते आ रहे हैं, मैंने जैसे अभी पहले बताया इंडियन कल्चर में बचपन से हम शादी देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए मतलब देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें देखा हुआ है, ऑलरेडी हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए। हाँ, क्योंकि मेरी फिल्म की जो स्टोरी है वही मेन हीरो है, इसलिए मैंने नहीं सोचा कि कोई नॉन फेस जरूरी है। जो मैंने अपने
نے ہیرو ہیروئن چنے وہ میرے لیے بہت انوسینٹ ہے, کیونکہ میری فلم کا کیریکٹر جو ہیروئن کا بہت انوسینٹ ہے. تو آپ جب فلم دیکھیں تو آپ خود بولیں کہ ایک انوسینٹ فلم کو انوسینٹ آرٹسٹ نے ایکٹنگ کی ہے. نہیں بہت محنت کرنی ہوگی, چھ مہینے ہاں 6 مہینے بعد مجھے میری ہیروئن ملی, پھر اس کے ساتھ میں نے ورک شاپ کی, سب کے ساتھ ورک شاپ کی, تب جا کے ہم نے یہ فلم بنائی ہے. جس دیکھنے کے آپ واقعی بولیں گے واقعی کچھ فلم بنی, مطلب دم لگا کے حیشہ کے بعد آپ بولیں کوئی فلم آئی ہے. بہت سمپل تھی, یہ کوئی فلم آسانی سے نہیں بنتی ہے, کچھ نہ کچھ پرابلم ٹربل آتے ہی ہیں شوٹنگ کے دوران, کاسٹنگ کے دوران. بہت سی باتیں ایسی ہیں شیئر نہیں کر سکتے میڈیا کو, پر میں یہی کہنا چاہوں گی یہ فلم اتنی اچھی بنی. شوٹنگ کے دوران یہ کہ انسیڈنٹ تو بہت سے ایسے ہوئے ہیں, پرابلم بھی آئی ہے. سب سے زیادہ پرابلم مجھے ویدر اور کلائمیٹ میں دی. صبح شوٹنگ کرنے آئے تو ٹھنڈ ہے, ہریانہ میں ہم نے شوٹ کیا ہے, دوپہر تک پتہ چلتا ہے اتنی گرمی بڑھ جاتی ہے کہ لائٹ والے پرابلم ہو رہی ہے, لائٹ والے بیہوش ہو رہے ہیں. دین شام تک پتہ چلتا ہے بارش گر گئی ہے, ٹھنڈ بڑھ گئی ہے. تو مطلب ایک ہی دن میں ہمیں 3-4 کلائمیٹ کو ویدر کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو بہت پرابلم ہوتی تھی, شوٹنگ رک جاتی تھی. پھر بھی میں نے, میرے پاس رسپانسبلٹی تھی, ٹینشن تھا شوٹنگ کمپلیٹ کرنا ہے. دس ڈیز میں اتنے دن میں نے شوٹنگ کمپلیٹ کی. جہاں تک بات کریں اس کے پروڈکشن کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح ویلیو لگ پائی ہے آپ کی فلم میں؟ ہاں بہت اچھی ویلیو, جو ہم نے سوچا تھا. مطلب یہ میری اکیلے کی فلم نہیں ہے, پورے کیو ٹیم اور سب کی فلم, سب نے محنت کی ہے. مطلب اسپاٹ بوائے سے لے کے میک اپ مین, میک اپ مین سے لے کے ڈی او پی, ڈی او پی سے لے کے ڈائریکٹر, ڈائریکٹر سے لے کے آرٹسٹ, سپورٹنگ آرٹسٹ, سب نے محنت کی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایکٹنگ کرنے آیا ہوں, یہ ایسا سے ایسا کچھ نہیں. اس فلم کی اسکرپٹ مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو فیوریٹ ہوں, سارے کیریکٹر اتنے اچھے ہیں, سب نے اپنا رول اتنا اچھا نبھایا ہے نا, جب بھی کسی کا سین آتا ہے تو اس سین سے پیار ہو جاتا ہے, نہیں یار اس نے کیا سین دیا, مطلب جو میں نے چاہا اس سے زیادہ ہی دے دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھی فلم ہے, کچھ الگ دیکھنے کو ملے گا, بہت اچھی ہے. الگ تو اکثر سنتے ہیں, الگ دیکھنے ملے گا, لیکن الگ یہ الگ ہے کیا؟ الگ ہے, سچ مچ الگ ہے. جو گاؤں میں جو ہوا, مطلب سین سینری سب, میں تو سمجھتی ہوں بہت الگ دیکھنے کو ملے گا اور بہت اچھا دیکھنے کو ملے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتی ہوں اور آئی ایم شیور اٹ ول بی اے ڈفرنٹ فلم اینڈ ول بی ویری نائس فلم. فلم کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فلم از آل اباؤٹ, یو نو کہ بتایا گیا ہے کہ فلم از اباؤٹ ارینج میرج اور لو میرج کے اوپر ہے, کہ میں کون سی سکسیزفل ہوتی ہے. اس فلم میں میں ایک ان کا جو میری ہیروئن ہے ان کا میں بڑا بھائی پلے کر رہا ہوں, جس کا نام ہے جوگندر. اور جوگندر جو یہ ہے کہ ان کے جو فادر ہے وہ وہاں کے ٹھیکے دار ہے ہریانہ کے, اس گاؤں بہت سینسیبل ہو. دیکھو میں بلیو کرتا ہوں کہ جہاں تک ہے ریچولز اور ریلیجنس کے اوپر ہے, کئی کئی لوگوں کو ہوتا ہے کہ آج کل جس ٹرینڈ آ رہا ہے جس جنریشن پہ, ارے یار یہ مست لگ رہی ہے یار, پیار ہو گیا فرسٹ سائٹ پہ, چلو لو میرج کر لیتے. اب وہیں دیکھا جائے کہ جہاں کے جو اپنے ممی ڈیڈی ہے پتا تھا کہ ان کے جو ریچولز آئے ہیں کہ نہیں یار بیٹا ارینج میرج ہی کرنی چاہیے, سکسیزفل رہتی ہے. تو ہاں تو وہاں پہ کیا نا, اپنے کو جو 5 سے 6 مہینے ملتے ہیں اس میں بھی پیار ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے, ٹائم تو ملتا ہے نا. تو لو کم ارینج بھی ہو سکتی ہے, ارینج کم لو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھ کے پتا چلا کہ کون سے سکسیزفل رہا ہے, کہ مطلب کس کو کم ٹائم کے اندر بھی دے گو انٹو بریک اپ بھی ہو جاتا ہے, کہ ارینج میرج کے سکسیز 4-7 بندھن کا نبھانا پڑتا ہے ہم کو پورا اینڈ تک. تھینک یو ویری مچ. ایسا ہے کہ میں نے اس میں ہیروئن کے فادر کا کیریکٹر کیا ہے, جو کہ تھوڑا سا آرتھوڈاکس ٹائپ کا, 80s ٹائپ کا ہے. تو یہ لو میرج اور ارینج میرج جو بھی ہے, مطلب وہ کون سا صحیح ہے کون سا یہ ہے, تو وہ تو پبلک جب دیکھے گی تبھی اس کو پتہ چلے گا. باقی وہ جو آرتھوڈاکس جو ہے, جو اسٹیٹ آف مائنڈ تھا اس سمے کے, تو وہ یہ کیریکٹر کرتے مجھے بہت مزہ آیا, کیونکہ بہت شیڈ سے اس میں, اور وہ سیریس ہے لیکن کامیڈی ایسے اس ٹائپ کی کیریکٹر. میں ریتا اگروال اس میں ہیروئن کی مدر کا رول کی ہوں, اور یہ فلم جیسا کہ 1982 لو میرج ہے, اس سمے ارینج میرج ہوتا تھا اور آج کے زمانے میں لو میرج ہوتا ہے, بیسیکلی جو اس پہ ہے اور کیسا اور کون سا ٹھیک رہے گا یہ تو دیکھنے سے ہی پتہ چلے گا. اور مووی یس یہ تو یہ ایک بہت بڑھیا پاریوارک مووی ہے,
नीट एंड क्लीन परिवार में बैठ करके आप देखिए और इंजॉय कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बोल देने के बाद मिल हाँ तो वो मज़ा आता है कि आप देखिए और फिर दोबारा जब हम मिलें उस पर बात करें। उस पर बात करें, एंजॉय करें। अच्छी फिल्म बनी हुई 1982 का जो लव अफेयर और बेसिकली लव अरेंज मैरिज इन दोनों को मेंशन किया गया। इसमें मैं हीरोइन के भाई का दोस्त बनाऊँ, बस कॉमेडी फिल्म है, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। नहीं 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 कॉमेडी करेक्टर है और पसंद आएगा फिल्म आप लोगों को बहुत, और अल्टीमेटली कॉमेडी फिल्म है थ्रू आउट। क्या मानते हो लॉन्ग रिच करना अच्छा है कि लॉन्ग रिच करना अच्छा? या क्या मानते हो आप फिल्म देखने के बाद कि लॉन्ग रिच अच्छी है या अरे? हाँ हाँ फिल्म देखने के बाद तो अल्टीमेटली ये लगता है कि लव मैरिज ज़्यादा बेटर है, बट दोनों का इक्वल कम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब मुझे एक्चुअली ये फिल्म पीरियड फिल्म है, जैसे हम टाइटल में 1982 लव मैरिज, तो 1982 ईयर का जो मतलब तभी जो सॉन्ग्स होते थे तो उसका जो मेलेडी है वो हम लोग ने इसमें कंटेम्प्रेरी स्टाइल में ये करने का कोशिश किया है, दोनों जेल करने का कोशिश किया है, तो वर्ड्स भी उसी हिसाब से हम लोग ने डाले और सिचुएशन के हिसाब से वर्ड्स सब है, तो दो रोमांटिक सॉन्ग्स है और दो कुछ अलग ही जॉनर के गाने हैं, तो एक जो है वो हरियाणवी फोक है पूरा, वो हिंदी में ट्रांसलेट करना था तो वो चैलेंजिंग था, और सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि फर्स्ट हिंदी फिल्म है तो मैं पहली बार हिंदी में सॉन्ग्स लिख रही थी, तो वो भी चैलेंजिंग था। हम लोग पूरा दिन साथ में बैठ के सब काम करते थे, तो मतलब हम लोग का इंटरेक्शन रेगुलर बेसिस पे चालू रहता था, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी हम लोग ने काफ़ी किया, ये दोनों ने मुझे बहुत हेल्प किया लिखने के लिए, अलग अलग आइडियाज़ दिया ये वो, तो बहुत हेल्प। आसान या मुश्किल ये मतलब मैं नहीं कह सकता, पर मज़ा बहुत ज़्यादा आया क्योंकि जब हम लोग ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना चालू किया तो अमित सर ने पहली मीटिंग में हमसे कहा था कि हमें मेलेडी चाहिए, तो ये बात सुन के हम बहुत खुश हुए, क्योंकि आजकल मेरी राय में थोड़ा बहुत मेलेडी थोड़ा सेकेंडरी हो गया है, आजकल थोड़ा नॉइजी म्यूज़िक पे ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं, और जैसे कि ये 1982 लव मैरिज है, ये पीरियड फिल्म है, तो उस ज़माने में जो मिठास हुआ करती थी गानों में उसको दोहराने का हम लोग ने अटेम्प्ट किया है, और जैसे आदिति ने कहा कि हम लोग बहुत पूरे दिन बैठ के इस पर काम करते थे, तो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड ये हम लोग की भी पहली हिंदी फिल्म है एंड वी फील लकी टू हैव दिस प्रोजेक्ट एज आवर फर्स्ट फिल्म। बहस तो बहुत बार होती है, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव आदमी जो रहता है उसको हमेशा ये लगता है कि इससे बेटर होता था, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है, तो एक पॉइंट पर ऐसा हम लोग को लगता है कि यार क्लिक होता है, या दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऐसा होता गया और बहुत जो रोमांटिक नंबर है जो वो जावेद अली साहब ने गाया है और वो ड्यूएट है, तो उनके साथ कीर्ति किलेदार ने वो गाना गाया है, मैंने एक पेपी सॉन्ग ये फिल्म में गाया है, चिन्मय ने जो सैड सॉन्ग है वो गाया है, और जो एक फोक फ्लेवर का एक गाना है इस फिल्म में, तो काफ़ी वर्सेटाइल एल्बम है ये, तो वो रक्षा आजाद होकर के एक मेरी फ्रेंड है उन्होंने गाया है। जो जावेद अली जी का पार्ट है वो हम लोग का फेवरेट पार्ट है इस पूरे म्यूजिक एल्बम में, तो वो मैं आपको सुना चाहूँगा। कोई आए यूं समाए कह जाए दिल की सौ बातें, पल में बहके पल में महके हौल से बहता हो पानी जैसे।